डोंट मेक एनी जजमेंट्स, कोई अपनी इंसिक्योरिटीज पैदा मत करो, बिकॉज तुम्हें लग रहा है शायद मेरे अंदर कमी है, इसका वो एक्स इतना अच्छा क्यों है, मुझे ये उससे क्यों प्यार करती है, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मैं तो उसको इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं तो उसको इतनी अटेंशन दे रहा हूँ, मैं तो उसको इतनी अच्छी बातें करता हूँ, मैं तो उसकी केयर करता हूँ, मैं तो जब भी बुलाती मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, नहीं रहना तुम्हें। और मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितने घंटे काम किया आज, नीचे लिखो कॉमेंट्स में दोस्त, और काम करते रहो अपनी लाइफ में यार। गर्लफ्रेंड थिंकिंग अबाउट हर एक्स ड्यूरिंग सेक्स रिलेशनशिप स्टार्टेड 15 डेज आफ्टर ब्रेकअप। लड़के की गर्लफ्रेंड सेक्स के टाइम पे एक्स के बारे में सोचती है। दोस्त देखो, यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे लड़कियाँ 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 लड़कियाँ, फालतू बकवास हटाओ, इससे देखो हम सीख क्या सकते हैं अपनी जिंदगी में और ऐसी गलती हम फिर से ना करें। आप एक चीज़ समझो दोस्त, हो जाता कोई बेवकूफ़ तुम्हें ये राय दे कि भाई एटलीस्ट सेक्स तो मिल रहा है, तो पहली चीज़ मैं इसको राइट ऑफ द बैट उस राय को एड्रेस कर देता हूँ, तुम सेक्स नहीं कर रहे उस लड़की के साथ, अभी भी उसका एक्स ही सेक्स कर रहा है, क्योंकि जब वो तुम्हारे साथ सेक्स करिए वो सोच अपने एक्स के बारे में रही है, उससे ज़्यादा डिमीनिंग सेल्फ वर्थ और तुम्हारी सेल्फ एस्टीम के लिए और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि तुम एक लड़के के साथ हो, वो प्लेजर या जो भी उसको तुम लग रहा है कि हाँ मेरी मैस्कुलिनिटी या मैनहुड के बेसिस पे मैं जो उसको प्लेजर दे सकता हूँ वो कोई और लेके चला जा रहा है उसको पूरा क्रेडिट, तो तुम इमैस्कुलेटेड फील करोगे, ऐसा लगेगा बिल्कुल सक इन करके कोई ले गया जो भी क्रेडिट जो तुम्हें चाहिए था, तो तुम अपनी इस सेक्स करके एक्चुअल में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ और इनसिक्योरिटीज पैदा कर रहे हो, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हो सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम की। तो मैं कहूंगा यहां पे तुरंत फुल स्टॉप मारो, इस लड़की को स्पेस चाहिए, इस लड़की को कम से कम 6 महीने चाहिए, या फिर आई एम प्रीटी श्योर इसको अभी अपने पुराने एक्स के पास जाके चीजें रिजोल्व करनी है, चीज को क्लोजर नहीं मिला है, ये मूव ऑन नहीं करी है, तुम एक्चुअल में इंश्योरेंस हो या फिर तुम कह सकते हो रिबाउंड हो, ये इसको इसकी स्ट्रैटेजी नंबर 1 थी टू कोप विद हर एक्स वॉज टू जंप इन बेड विद यू टू थिंक कि मे बी, ये बहुत सारे लड़के भी करते हैं, इसमें जजमेंटल होने वाली बात नहीं है, एक्चुअल में लड़के भी पागल की तरह सीख करते हैं, लड़कियां जहां ब्रेकअप हो गया उठा के तुम्हारा टिंडर या कुछ भी हो गया और वो चीज़ अलग है, अगर आप एक डिस्ट्रैक्शन की तरह बात कर रहे हो किसी इंसान से, अगर तुम सिंपल इस लड़की से बात कर रहे हो और तुम अपना काम करो अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास लेट्स से 15 मिनट्स दिन में 2 घंटा लेट्स जस्ट से दैट, तो अब टाइम है हाँ खोटा करने के लिए, वो तुम्हें कॉल कर देती है और तुम्हें लगता है हाँ यार ठीक है यार कोई सफर कर रहा है किसी से बात कर लेते हैं, तो अलग चीज़ थी, तुम दोस्त रिलेशनशिप में कूद गए, अपने आपको गर्लफ्रेंड कह रहे हो इस लड़की को अपनी, तुम भी बेवकूफ़ हो यार। आई एम जस्ट सेइंग दैट नॉट एज एन ऑफेंसिव थिंग, मैं नहीं कह रहा प्लीज़ अपने आपको यू नो वो कहो, यू मेड अ बू बू, यू मेड एन एरर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, तो इस एरर को करेक्ट करो, तुम्हारी गलती नहीं है यहाँ पे, दिस हैज नथिंग टू डू विद यू, इसमें तुम्हारी कोई मैस्कुलिनिटी या मैनहुड पे क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी इंसान चाहे कितना बड़ा मर्द होता तुम्हारी सिचुएशन में, चाहे कितना बड़ा माचो मैन होता, चाहे कितनी बड़ी मसल्स होती या कितनी बड़ी उसकी डिक होती, कोई भी लड़का इस तक इस लड़की के साथ सेक्स करता भी अपने एक्स के बारे में ही कनेक्ट करेगी उससे, क्योंकि ये मूव ऑन नहीं करी है, समझे, ये अभी भी उसका दिमाग वहीं पे ही है, ये पूरे दिन आई एम प्रीटी श्योर रोती भी है कुछ मोमेंट्स में उस लड़के के बारे में सोच सोच के, उसको कॉल भी करती रहती है तुम्हारे पीछे, और फैक्ट ये हो सकता है कि वो लड़का है जिसने उसको ब्लॉक कर रखा है, उससे बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे ऊपर डोंट मेक एनी जजमेंट्स, कोई अपनी इनसिक्योरिटीज पैदा मत करो, बिकॉज तुम्हें लग रहा है शायद मेरे अंदर कमी है, इसका वो एक्स इतना अच्छा क्यों है, मुझे ये उससे क्यों प्यार करती है, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मैं तो उसको इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं तो उसको इतनी अटेंशन दे रहा हूँ, मैं तो उसको इतनी अच्छी बातें करता हूँ, मैं तो उसकी केयर करता हूँ, मैं तो जब भी बुलाती मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, नहीं रहना तुम्हें, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, निकलो बस प्लीज। पहली चीज, कोई भी अपने ऊपर जजमेंट फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपने पे कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है अपनी मैस्कुलिनिटी अपने ऊपर और अपनी ये सोचने की कि तुम कम हो किसी भी एंगल से, तुम नहीं हो। दूसरी चीज, ये लड़की तुम्हारी दुश्मन नहीं है, यू आर जस्ट एट द रॉन्ग प्लेस बोथ ऑफ यू, शी इज जस्ट ट्राइंग समथिंग, उसको जो लगता है वर्क करेगा जो कि नहीं करता और आप तुम सफर कर रहे हो उसकी वजह से, राइट, सो शी इज डूइंग एज स्ट्यूपिड अ थिंग एज यू वर ट्राइंग टू अचीव कि भाई मैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, दोनों ही एक कम्प्लीटली स्ट्यूपिड इंटेंशंस को लेकर घुसते हैं इस रिलेशनशिप में, एक वो सोच रही है कि हो सकता है तो मैं नया बॉयफ्रेंड बनाने की वजह से मैं अपना पुराना बॉयफ्रेंड भूल जाऊंगी, और तुम सोच रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने प्यार से इसका पुराना बॉयफ्रेंड भुला दूंगा, ठीक है दोस्त, नहीं होने वाला। कोई अगर किसी को लाइक करता है, किसी से प्यार करता है, फिर जेन्युइनली अटैच्ड है, प्यार गया बाहर में, अगर कोई एडिक्टेड है, अटैच्ड है और अपना ईगो घुसड़ के बैठा है उसमें और अपनी इमोशनल फीलिंग्स अभी भी इन्वेस्टेड हैं, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, उसको भी टाइम लगेगा उन स्टेजेस में करने में, आई डोंट थिंक वो एक्सेप्टेंस लास्ट स्टेज होती है, वो एक्सेप्टेंस पे आई है, तो उसमें उसको भी 3 महीने 4 महीने का प्रोसेस होगा, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ पढ़ो, इंसान एक एक स्टेज पे जाता है, तो आई एम नॉट श्योर
उसका भी जो स्टेजेस हैं जिसके लिए इतना टाइम चाहिए उसको एक्सेप्टेंस में पहुंचने के लिए, अभी वो पहुंची है तो तुम्हें उसको टाइम देना है। इस इंसान को जो कर रही है इसकी जिंदगी है, करने दो, तुम अपना हाथ मत घुसेड़ो इसके जो भी आइडियाज हैं, तुम मत हाथ घुसेड़ो कि उसमें उसको कॉन्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स घुसेड़ो, एक्चुअल में हाथ भी नहीं घुसेड़ो, समझ रहे हो? तो तुम्हारे हाथ कटेंगे जो कि मेटाफोरिकली तुम्हारी फीलिंग्स हैं। आई होप भाई क्लियर हो गया होगा। बाकी दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं।